बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जैक आर मैल्ड्रिथ। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली इनिशियल मीटिंग्स की बात की और देन हमने एक ओवरव्यू भी लिया कि जो प्लानिंग है उसके एलिमेंट्स डिफरेंट क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग बी द अप्रोच टुवर्ड्स द प्लानिंग। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल ब्रेन अप्रोच, बेसिकली जिसके हवाले से हम माइंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है कि रिसर्च इसको सपोर्ट करती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स टिपिकली यूज करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। सो हमारे जो ब्रेन का फिजिकल फॉर्मेशन है और उसकी फंक्शनैलिटी है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग फॉर द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, जबकि राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज मोर क्रिएटिव इन इट्स नेचर। सो होल ब्रेन अप्रोच टू प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेट्स दैट के एक मैनेजर को इट्स नॉट ओनली रिक्वायर्ड कि वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर तवज्जो दें और अपनी लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इस्तेमाल करें, दे शुड मोर क्रिएटिव इन देयर आइडियाज़, और वो अपनी राइट साइड ऑफ द ब्रेन को भी यूटिलाइज करते हुए बेटर अप्रोच अपना सकते हैं टूवर्ड्स प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो इसीलिए हम यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अ होल ब्रेन अप्रोच कैन बी यूज इन माइंड मैपिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर ये हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है तो हम उसका एक फिजिकल मैप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि फॉर इंस्टेंस ये हमने क्या ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो हम अपने इस मैप में डिफरेंट चीज़ों को इंटररिलेट कर रहे हैं। सो इससे एक दो और चीज़ें किस तरह से हमारे पास क्रिएट होती हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज माइंड मैपिंग, विच इज़ अ टेक्निक जो कि प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इट्स नॉट ओनली यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बट हमारे पास जो डिफरेंट क्रिएटिव नेचर के कहीं पे भी एस्पेक्ट्स आते हैं तो वहाँ पे माइंड मैपिंग को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट सर्टेन गुड आइडियाज़। माइंड मैपिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं, बेसिकली इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। इट इज़ अ विजुअल अप्रोच दैट मिरर्स हाउ ह्यूमन ब्रेन रिकॉर्ड्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स टैप द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट टीम। अब जो माइंड मैपिंग यूज कर रहे हैं उसके लिए हम, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर या जो टॉप मैनेजमेंट है सिर्फ वही इस अप्रोच को यूज करती है, वी कैन इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट टीम इन इट, और उसका एक बेनिफिट भी हम गेन कर सकते हैं कि ये हेल्प करता है इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आइडियाज। मोर पीपल इन्वॉल्व इन दिस मैपिंग प्रोसेस, मोर मैप्स बीन जनरेटेड। फिर अब जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इंक्रीज्ड क्वांटिटी आती है आइडियाज़ की, एंड द आइडियाज़ कैन बी देन ट्रांसफॉर्म्ड बेटर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम क्वालिटी ऑफ द आइडियाज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कि इसका एक और बेनिफिट भी आता है कि टीम मेंबर्स फाइंड इट इन्जॉयबल एज वेल, बिकॉज एक पार्टिसिपेशन ऐड हो रही होती है कि हम इन क्रिएटिव आइडियाज़ में वी आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट ओनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो वो भी इसमें आपको ऐड होता हुआ नज़र आता है। सो इसी से रिलेट अगर करते हैं तो इट हेल्प्स जनरेट द एंथुजियाज्म अमंग द टीम मेंबर्स। डेफिनेटली आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जिस चीज़ में किसी भी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है तो उसके साथ उसका स्टेक भी इंक्रीज हो जाता है। उस स्टेक इंक्रीज होने से जो एंथुसिएज्म इन्वॉल्वड इन डूइंग ऑल दोज थिंग्स टेंड्स टू इंक्रीज एज वेल। और आखिरी जो चीज़ इससे रिलेट करती है, हेल्प ऑब्टेन बाय इन फ्रॉम टीम मेंबर्स। ये प्रोजेक्ट किसका है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, दैट इज़ अ बाय इन, बिकॉज हमारा स्टेक इंक्रीज हुआ, हमने इसको इंजॉय भी किया, एंथुसिएज्म इन्हांस हुआ, तो हम इस सारे प्रोसेस को बाय इन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाती है। एक चीज़ हम उसको कहते हैं एम्प्लॉई इंगेजमेंट, इंगेजमेंट टेंड्स टू इंक्रीज विद दिस माइंड मैपिंग प्रोसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, फुल माइंड मैप फॉर फुल टाइम एमबीए, एक डेवलपिंग चेंजिंग इन एमबीए प्रोग्राम, दिस इज़ द प्रोजेक्ट देख रहे हैं आपके, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्लान किया गया है, ठीक है, और उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फर्दर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनसे सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। सो अ कंप्लीट माइंड मैप, ये देखें डिफरेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ आपको, ये उस माइंड मैप के आपको क्रिएट होते हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अल्टीमेटली फैक्टर्स क्रिएट करते हैं, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट जिसको उसने कहा कि एक गेम चेंजिंग एमबीए प्रोग्राम जनरेट करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखें तो आपको प्रोग्राम का आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है,
प्रोग्राम का पर्पस फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है और उस पर्पस में फर्दर डिटेल्स क्या हैं, एंड देन अजम्पशंस अंडरलाइन हम कर रहे हैं कि करंट प्रोग्राम्स की क्या है, कॉम्पिटेंसीज जो नीडेड हैं वो क्या हैं. सो इट्स दैट्स हाउ माइंड मैपिंग कैन बी यूज इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट. अब एक और टूल की तरफ आते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज WBS. हमने अपने पहले लेक्चर में इसके ऊपर हल्की सी एक ब्रीफली डिस्कशन भी की. WBS stands for Work Breakdown Structure. That is considered a key element. अब ये किन चीज़ों को एड्रेस कर रहा होता है. पहला जो क्वेश्चन जिसको ये आंसर करता है वो है जी वट इज टू बी डन. इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल डिटेल द टास्क एंड एक्टिविटीज और इवेंट्स जो कि हमारे इस सारे प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं. सो इन तमाम एस्पेक्ट्स को हम इसमें शामिल कर सकते हैं बाय आंसरिंग दिस वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज टू बी डन. वंस इट इज डिसाइडेड दैट व्हाट इज टू बी डन, देन दूसरा एस्पेक्ट व्हेन इट इज टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड का क्वेश्चन आ जाता है. अगर आप हम देखें तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केड्यूलिंग इन अ प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट के कई पार्ट्स होते हैं जैसे सब एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास एक स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाता है. उस प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं जिसको हमने कह दिया ए बी और सी. सो ये हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ गया कि जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं. ए को हमारे पास 8 वीक्स लगेंगे, 7 वीक्स लगेंगे, 5 वीक्स लगेंगे. देन ए एंड बी एक्टिविटीज़ के ख़त्म होने के बाद डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी जिसको 7 और 5 दिन लगते हैं. एंड देन सी विल ट्रांसफॉर्म अनदर एक्टिविटी दैट इज़ ई और इसको 7 वीक्स लग जाएंगे. सो दिस इज हाउ. और फिर डी एंड ई के बाद हम एफ एक्टिविटी करते हैं जो कि 5 और 7 दिन में कंप्लीट होगी. ये मैंने एक आपके लिए एक मॉडल सा क्रिएट कर दिया है और ये मॉडल स्केड्यूलिंग के लिए एक टेक्निक भी है. इसको हम कहते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पार्ट. और देखें जी व्हेन इट इज़ टू बी स्टार्टेड, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग टाइम आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, एक फिनिशिंग टाइम आ गया. इसके बाद हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं वो कब किस तरह से शुरू होंगे, कितना कंप्लीट होंगे, उसका टाइम फ्रेम हमारे सामने आता है. तो वो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि कोई भी एक्टिविटी आपकी कब स्टार्ट हो रही है और कब ये फिनिश होगी. और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है, हु इज़ गोइंग टू डू इट. ये HR एस्पेक्ट है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का कि कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है. दिस इज़ वेयर जैसे हम मैनेजमेंट में बात करते हैं एक फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. तो ये भी एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए क्या स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा और कौन क्या एक्टिविटी बेसिकली परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आता है. सो दिस इज़ क्रिएटेड इन द शेप ऑफ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स को देखते हैं कि सम एक्टिविटीज़ मस्ट बी डन सीक्वेंशली. ये मैं आपको वापस लेकर जा रहा हूँ. ये देखें, ये कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं ये सीक्वेंस में आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं. जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा और बी कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक डी स्टार्ट नहीं हो सकता और डी की कंप्लीशन के बगैर एफ स्टार्ट नहीं हो सकता. दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय सीक्वेंशली डूइंग सम एक्टिविटीज. सम एक्टिविटीज़ मे बी डन साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पर ये देखें ए बी और सी, ये सारी एक्टिविटीज जो हमें नजर आ रही हैं ये किस तरह से हो रही हैं, दे आर डन साइमल्टेनियसली. ये जो आपको एक्टिविटीज नजर आ रही हैं. देन मेनी थिंग्स मस्ट हैपन व्हेन एंड हाउ दे आर सपोज टू हैपन. सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक प्रोसीजरल मींस डेवलप कर लिए कि क्या तरीकाकार होगा उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का. एंड देन ईच डिटेल इज uncertain and subject to risk. Just take example, if this B tends to get late, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D perform नहीं हो सकता और D perform जब तक नहीं होगा तो हम F नहीं perform कर सकते. तो सिर्फ B के late होने की वजह से whole project schedule जो हमने develop किया वो क्या चला जाता है, वो delayed हो सकता है. That add to the risk of time, cost
एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के आपको की एलिमेंट्स नज़र आते हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो अदर मेथड है उसको हम कहते हैं हायरार्किकल प्लानिंग। हायरार्की किसको कहते हैं? एनीथिंग विच इज स्टेप बाय स्टेप। जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक मैं पैरामिड डेवलप कर रहा हूँ तो ये हमारे पास हायरार्की बन गई जिसमें 1, 2, 3 और 4 हायरार्किकल लेवल्स आ गए। अब हम ये हायरार्किकल प्लानिंग को क्या करते हैं कि जो बिगर टास्क है वो क्या होगा, ठीक है, देन बिगर टास्क से स्मॉलर टास्क क्या है और स्मॉलेस्ट टास्क क्या है, फिर उन टास्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये देखिए ना, अब हमने क्या बेसिकली किया है कि हमने इसके तमाम एस्पेक्ट्स को देख लिया। सो ये क्या किया, पहले स्टेप में मेजर टास्क को लिस्ट कर लिया, देन ईच मेजर टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू डिटेल, दिस कॉन्टिन्यूस अंटिल ऑल द एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड आर लिस्टेड। सो दिस इज वेयर हम लार्ज से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हायरार्किकल प्लानिंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि वी नीड टू नो विच एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन अदर एक्टिविटीज़। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे ए और बी का कंप्लीट होना ई के स्टार्ट होने के लिए नेसेसरी था। सो हमें हायरार्किकल प्लानिंग में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये एक फॉर्म हमारे सामने नज़र आ रहा है एज एन एग्जांपल, दैट इज़ अ एक्टिविटी प्लान जो बता रहा है कि जी हमारे डिलीवरेबल्स क्या हैं, मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट क्या होगी, की कंस्ट्रेंट्स एंड अजम्पशंस क्या हैं, देन हमारे पास एक कॉलम्स नज़र आ रहे हैं कि ये टास्क क्या है, एस्टिमेटेड रिसोर्सेज उस पर क्या लगेंगे, इमीडिएट प्रीडिसेसर टास्क क्या है, प्रीडिसेसर हम कहते हैं पहले वाले को और सक्सेसर हम कहते हैं बाद वाले को। सो एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन यानी इमीडिएट प्रीडिसेसर टास्क, इस टास्क से पहले क्या कंप्लीट होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम एक घर बना रहे हैं तो दीवारें बन रही हैं, ये हमारा टास्क है, लेकिन दीवारों से पहले बुनियादों का बना होना ज़रूरी है, तो ये बुनियादें बनना एक प्रीडिसेसर टास्क है, इसकी कंप्लीशन के बाद हम दीवारें बना सकते हैं। सो एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन क्या है और देन असाइन टू ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है। सो दिस इज़ हाउ ये फॉर्म जो है असिस्ट कर सकता है इस होल हायरार्किकल प्लानिंग स्टेप्स को। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। जैसे एक करियर डे मनाना है हमने, उस करियर डे में क्या होगा, हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जो वर्क हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है जी, कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बैंक्वेट एंड रिफ्रेशमेंट्स, थर्ड पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, फोर्थ इज द फैसिलिटीज़। देन इस हर एक स्टेप्स के फर्दर सब एलिमेंट्स जनरेट किए गए हैं। जैसे कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म प्रिंटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करना है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, गैदर करने हैं जी कॉलेज पार्टिकुलर्स, प्रिंट करने हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट्स की प्रिंटिंग है, और इसी तरह से आपको सब एलिमेंट्स डिफरेंट नज़र आ जाते हैं। जैसे बैंक्वेट एंड रिफ्रेशमेंट में गेस्ट स्पीकर कौन होगा, फूड कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना है, लेकर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया। सेकेंड हमारे पास करियर डे का जो कॉलम आता है उसमें क्या है कि ईच फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय समवन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंटिंग ऑफ द फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी, कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम मैनेजर, कलेक्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफिस मैनेजर, देन सेक्रेटरी। सो दिस इज हाउ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी जनरेट कर लिया, और उसी के साथ हमने क्या किया, स्केजुलिंग के हवाले से टाइम डिसाइड कर दिया। टाइम ये वीक्स में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो प्रिंटिंग ऑफ द फॉर्म विल टेक 6 weeks, कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन विल टेक 15 weeks, एंड देन 4, 4, 6, 8, ये हमारे पास डिफरेंट आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रीडिसेसर एक्टिविटीज क्या हैं। देखिए जी, प्रिंट फॉर्म्स इज अ 1A एक्टिविटी, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कब होगा, आफ्टर 1A इज कंप्लीटेड। 1B हो जाती है तो 1C और D होंगे,
वन बी का कंप्लीट होना वन सी और वन डी के लिए नेसेसरी है. सो दिस इज वेयर हमने एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज भी क्रिएट कर लिया. और रिसोर्सेज क्या यूज होंगे इस काम के लिए, जो प्रिंटिंग ऑफ द फॉर्म है प्रिंट शॉप्स को यूज किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ों के लिए वर्ड प्रोसेसिंग यूज हो रही है, प्रिंटिंग के लिए प्रिंट शॉप यूज हो रही है. और दिस इज हाउ रिसोर्सेज एक्सप्लेनेशन हैज बिन गिवन इन डिटेल. सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो हायरार्किकल प्लानिंग प्रोसेस है, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया. ब्रेक्स टास्क डाउन इनटू सक्सेसिवली फाइनर लेवल्स ऑफ डिटेल, कंटिन्यू करता है अंटिल ऑल मीनिंगफुल टास्क और वर्क पैकेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड. और दीज मेक्स ट्रैकिंग द वर्क ईजियर, कि आपने जैसे 1A, 1B, 1C बना दिया था और नीड सेपरेट बजट स्केड्यूल फॉर ईच टास्क और वर्क पैकेज. अगर इसकी विजुअल हम फॉर्मेशन देखते हैं तो विजुअल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये जी आपको एक बिगर टास्क नज़र आ रहा है डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सब टास्क. और ये ईच सब टास्क जो है वो फिर फर्दर आपको बाइफर्केट होता हुआ नज़र आ रहा है इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स. What are the steps to create a work breakdown structure? बड़ा simple सा है, जो हमारा पुराना knowledge था उसी पर बेस करता है. List the task breakdown in successive levels. आपने list बनाया और बड़ा छोटा छोटा और इस तरह से हमने उसको एक तरतीब में बनाते गए. Then identify data for each work package, कि जिसमें जो एक काम का हिस्सा है उसके लिए data gather किया. Review work package information. देन हर वर्क पैकेज पे क्या कॉस्ट जनरेट होगी, हर वर्क पैकेज के ऊपर हमारा स्केड्यूल क्या होगा, मींस हाउ मेनी डेज विल बी इन्वेस्टेड और वीक्स, जो भी आप उसको क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं. एंड देन कॉन्टिन्यूली एग्जामिन एक्चुअल रिसोर्स यूजेज, कि आपने उसके लिए जो कंट्रोलिंग प्रोसेस लगाया है कि जो आप कर रहे हैं क्या वो उतना ही रिसोर्स यूज कर रहा है जितना रिक्वायर्ड था, और कॉन्टिन्यूली एग्जामिन द स्केड्यूल. सो ये हमारे पास बनता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और हायरार्किकल प्लानिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली वी वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.